आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये कुरेक्शन का लेक्चर नंबर 4 है और इसमें भी एडजेक्टिव जो है उसी का रूल है। लेक्चर नंबर 3 में हमने एडजेक्टिव का जो सेकंड डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री उसका रूल सीखा। अब हम जो है इसकी थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव उसका रूल सीखेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करने में कौन सी मिस्टेक्स होती हैं और कैसे उनको करेक्ट करना है। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वो यूज़ द, अब जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे हमने पहले जो वर्ड यानी आर्टिकल द है उसको यूज़ करना है, डिग्री के बाद नहीं करना, इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। इसलिए जब सुपरलेटिव डिग्री हमारे सेंटेंस में मौजूद होगी तो उससे पहले हम देखेंगे कि क्या आर्टिकल लगा हुआ है, अगर नहीं लगा हुआ तो वो हम करेक्ट करके लगा देंगे। इसके लिए जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले देखिए ही इज़ आ टॉलेस्ट ऑफ ऑल। इसमें सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि एक नाउन का कंपेयर बाकी जो एक नाउन से ज़्यादा नाउन है, दो हैं, तीन हैं, हज़ारों हैं, उनसे होता है, मोर देन वन से होता है। जब ज़्यादा से कंपेयर होता है तो उसमें फिर सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। अब ये जो सेंटेंस है इसमें मिस्टेक देखें आप कि सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन डिग्री से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये मिस्टेक है। अब इसकी करेक्शन हम करेंगे और ये जो आ है इसको हम स्किप कर देंगे, ये जो है ये इनकरेक्ट वर्ड लगा हुआ यहाँ पर, और जो आर्टिकल करेक्ट है यहाँ पर द उसका यूज़ करेंगे। इस तरह ही हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा और इसमें ही जो है एक उसका कंपेयर ऑल से हो रहा है और द टॉलेस्ट ऑफ ऑल ये सेंटेंस बनेगा। सेकंड जो सेंटेंस है, दिस पिक्चर इज़ द ब्यूटीफुल ऑल पिक्चर्स। इस सेंटेंस के अंदर दो मिस्टेक्स हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि इसको करेक्ट करते वक्त हम लिखेंगे दिस पिक्चर इज़ द, यहाँ तक ये सेंटेंस ठीक है। ब्यूटीफुल जो एडजेक्टिव है इसकी अगर डिग्रीज देखी जाए तो पॉजिटिव डिग्री में ब्यूटीफुल वर्ड आता है, कंपैरेटिव में ब्यूटीफुल से पहले हम मोर लगा देते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगा देते हैं। इसमें एक नाउन जो है पिक्चर उसका कंपेयर ऑल नाउन यानी ऑल पिक्चर से हो रहा है लेकिन जो डिग्री का यूज़ है वो पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हम पहले जो है वो सुपरलेटिव डिग्री उसको लिखेंगे, द मोस्ट ब्यूटीफुल यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद दूसरी जो यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि ब्यूटीफुल के बाद यानी मोस्ट ब्यूटीफुल के बाद जो है ऑल पिक्चर्स, ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था ही इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री सम टाइम जब वो ऑफ का यूज़ भी होता है लेकिन ये इतना कोई रूल वेरी नहीं करता। इसका ज़्यादा तब ख्याल रखा जाता है जब ऑल यानी एक ना उनका कंपेयर ऑल से हो रहा हो तो फिर हम सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ भी लगा देते हैं। इस तरह ये हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसी रूल की दो हम जो है मज़ीद एग्जांपल लेते हैं जो एमसीक्यूज की सूरत में हैं और ताकि ये रूल मज़ीद जो है हमें क्लियर हो। इट इज़ डैश लॉन्गेस्ट ट्री इन एरिया। अब इसमें ट्री जो है वो एक नाउन है जिसका एरिया के बाकी जो ट्रीज़ हैं तमाम दरख्तों के साथ कंपेयर हो रहे हैं और इसमें देखिए कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो आर्टिकल है द उसका यूज़ नहीं है, इसलिए नीचे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं और आर्टिकल जो बाकी इंडेफिनेट आर्टिकल है आ और एन वो भी लिखे हुए हैं और दा भी लिखा हुआ, तीनों लिखे हुए हैं लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इस रूल में सिर्फ दा ही हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी दोनों आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट होगा। तब ये दैट इज़ द डैश वॉल ऑफ ऑल। अब इसमें देखिए कि दा जो है वो रूल जो है उसके मुताबिक दा तो लिखा आर्टिकल तो लिखा हुआ है लेकिन जो डिग्री है उसको बीच में स्किप किया गया और नीचे ऑप्शंस दी गई।
वाइट, वाइटर, वाइट्स और वाइटेस्ट। और आप देखिए ज़रा कि जो वाइट की डिग्री है वो वाइट के बाद ई आर वाइटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव। और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वाइटेस्ट होती है, ना कि वाइट्स होती है। इसलिए यहाँ पर हमें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लगानी है और इसमें एक नाउन का कंपेयर तमाम नाउन से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो वाइटेस्ट, ये सी ऑप्शन को, लास्ट वाली ऑप्शन डी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। इस तरह जो सुपरलेटिव डिग्री है इसका रूल आज हमने समझा, कि जिसमें हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने आर्टिकल दा का यूज़ लाजमी करना है। अल्लाह।